राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि राजस्थान की राजनीति में इन दिनों उम्रदराज नेता चर्चाओं में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले कैलाश मेघवाल का बीजेपी पर हमला और फिर सूर्यकांता व्यास को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी। विधानसभा चुनाव में उम्र प्रत्याशियों के टिकट में बड़ा रोल अदा करेगी कांग्रेस के कई नेता। जहां अपनी उम्र ज्यादा बताकर चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं, वही बीजेपी में उम्र दराज नेताओं पर चर्चाएं तेज है। कैलाश मेघवाल चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, वही सूर्यकांता व्यास भी चुनाव लड़ने के मूड में है। बीजेपी और कांग्रेस हर बार प्रत्याशियों की उम्र को लेकर बात करती है, लेकिन कभी भी ठोस फैसला नहीं होता। राजस्थान में ऐसे कई नेता हैं जो अब 70 के पार हो चुके हैं। इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्होंने 2018 में अपनी सीट से चुनाव जीते हैं। वही ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए थे मगर फिर भी टिकट की रेस में हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में 55 से 60 नेता हैं जो इस बार 70 या उससे ज्यादा उम्र के हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों पार्टियों के टिकट मिलाकर लगभग 50 टिकट ऐसे होंगे जो 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के नेताओं को मिलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस युवाओं पर है। कांग्रेस ने उदयपुर संकल्प शिविर में युवाओं को आगे रखने का निर्णय लिया था। संगठन और टिकटों में 50% हिस्सा युवाओं को देने की बात हुई। छत्तीसगढ़ अधिवेशन में भी इस पर फोकस रहा। वही बीजेपी भी लगातार 75 साल या उससे ज्यादा उम्र के विधायकों को टिकट नहीं देने की पैरवी करती आई है। इसके बावजूद दोनों पार्टियां चुनाव के वक्त उम्र दराज नेताओं को टिकट देने पर मजबूर हो जाती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उम्र दराज नेताओं के टिकट काटना या बदलना पार्टियों के लिए एक बड़े रिस्क की तरह होता है। कई बार युवा चेहरों से वे सफलता हासिल करते हैं मगर ज्यादातर नुकसान होता है। हाल ही में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को साइड करने का असर बीजेपी देख चुकी है। ऐसे में कई तरह से ये नुकसान करता है। ऐसे में पार्टियों के सामने इस तरह के बड़े संकट खड़े हो जाते हैं। पार्टियां जब ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट देती है तो उनकी पॉलिसी पर सवाल उठते हैं। हाल ही में जब CWC के गठन में कांग्रेस ने उम्र दराज नेताओं को ज्यादा जगह दी तो उदयपुर संकल्प पर सवाल उठे। वही टिकटों के मामले में अगर वहां से युवा नेता तैयारी कर रहे हैं तो युवाओं की अनदेखी की बात सामने आती है। पार्टी नेता की एक्टिवनेस को भी दिमाग में रखती है। उम्र दराज नेता चुनाव तो जीत आते हैं मगर उसके बाद पार्टी के लिए उतना एक्टिवली काम नहीं कर पाते। अक्सर उम्र दराज नेता अपने टिकट से हटने की एवज में अपने बेटे या बेटी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को टिकट देने की मांग करते हैं मगर परिवार में टिकट देने पर पार्टियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। बेटे या बेटी को टिकट देने पर परिवार का आरोप पार्टियों पर लगता है। बीजेपी अपने कैंपन में लगातार कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती आई है। इसी के चलते बीजेपी ने भी परिवार में टिकट नहीं देने की पॉलिसी बनाई थी। राजस्थान के उपचुनाव में दरियावत सीट से इसी का हवाला देकर गौतम लाल मीणा के बेटे को टिकट नहीं दिया था। अगर पार्टी बड़े नेताओं के टिकट काटती है तो इससे हार का डर रहता है। दोनों पार्टियों के आंतरिक सर्वे में उम्र ज्यादा होने के बावजूद नेता किसी अन्य प्रत्याशी या उनके बेटे या बेटी के मुकाबले खुद ज्यादा बेहतर ढंग से जीत रहे हैं। ऐसे में बड़े नेताओं या उनके परिवार से भी अगर टिकट नहीं दिया जाए तो बगावत या हार का डर पार्टी को रहता है। हाल ही में कैलाश मेघवाल के केस में यही देखने को मिल रहा है। मेघवाल बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पहले भी दोनों पार्टियों से कई नेता टिकट कटने पर बगावत कर चुनाव लड़ चुके हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।